बेहद इंटरेस्टिंग है आज का कारोबार। बजट से ठीक एक दिन पहले निफ्टी है दबाव में, 12,000 के अहम लेवल को तोड़ता हुआ भी, वहीं बैंक निफ्टी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे लाएगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को खींचेगा ऊपर, और बजट से पहले आज बचे हुए आखिरी डेढ़ घंटे में क्या हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। तैयारी कराएंगे बजट की फाइनल ट्रेड में, आप सबका स्वागत है, नमस्कार। लेकिन चलिए चलिए, हमारे एक्सपर्ट बाकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी हमारे स्टूडियो में है और नितिन जी, वागले साहब, राजेश जी, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। चिंता न करें, स्लिपेजेस ज्यादा आए हैं तो रिजल्ट उतने मजबूत नहीं है जितने आपको मुनाफे के आंकड़े और एनपीए के आंकड़े देखकर दिख रहे हैं। कैसे कहेंगे रिजल्ट्स को, एसबीआई के रिजल्ट्स? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है ना, क्योंकि अंदाजा से ज्यादा स्लिपेजेस आए हैं। हालांकि इस स्लिपेजेस में अनिल जी कुछ 8,000 करोड़ दीवान हाउसिंग का फिगर है, तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट्स को अनुमान था, लेकिन ये पहले पता था एक्चुअली। बट ओवरऑल जो एनपीए का नंबर घटा है, हार्डली 5 बेसिस पॉइंट से घटा है, तो ये कोई बड़ा फॉल नहीं है। मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस क्वार्टर में इनको भूषण स्टील और रुचि सोया का भी पैसा मिला है, तो शायद नतीजे थोड़े से उम्मीद से ज्यादा अच्छे आते थे। बट मुझे लग रहा है शायद यही एक रीजन है कि स्टॉक में ऐसा कोई बड़ा उछाल आपको अभी देखा नहीं है। चलिए, कोई खास बात है नहीं, रिजल्ट में इतने बहुत दमदार भी नहीं जितना शेयर भाग रहा है, और बढ़ेगा तो ऊपर से गिरेगा भी, ये बात तय है। ये शायद और किसी को पसंद आए ना आए, अविनाश जी को आएगा और मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे वो चीज पसंद आती है जब स्टॉक है ना बहुत बड़ा हुआ हो और तब उसे शॉर्ट करना हो। SBI 321.50 ये फ्यूचर्स के लेवल चल रहे हैं और 3% ऊपर है SBI का स्टॉक, इसे शॉर्ट करना है। रिजल्ट के बाद 3% स्टॉक ऊपर है और मजबूत शेयर को शॉर्ट करना है। पहली चीज तो ये ऊपर इसलिए आया क्योंकि रिजल्ट के पहले सबके शॉर्ट कॉल थे, तो सब वो शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में आ गया। अब आप गौर से इसके रिजल्ट समझ लीजिए, सुन लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा हूं, फिर कल आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी इस पर। पहली चीज, 20,000 करोड़ रुपए का स्लिपेजेस, बहुत 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 ज्यादा हर एक लेवल से, किसी भी एंगल से आप देखेंगे, तिमाही दर तिमाही ये डिजास्टर है, ये स्लिपेजेस बहुत खराब है। पॉइंट नंबर वन, लोन ग्रोथ आई है इनके 7.8%, 7.8% जो 2 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। अभी किसकी लोन ग्रोथ हमने 37% देखी थी रिजल्ट में, आज ही इक्विटास, हालांकि इक्विटास SBI का आप कंपेयर नहीं करेंगे कभी, लेकिन इस आप देखिए 2 साल की सबसे लोएस्ट लोन ग्रोथ है। अच्छा, जो रिकवरी है जिसमें 8,800 करोड़ तो सबको पता था ये ऑलरेडी रुचि सोया का SR का आने वाला है, उसके बावजूद ये आंकड़ा है। स्लिपेजेस बहुत हायर लेवल पर चल रहे हैं और इसका मतलब क्लियर कट है कि ये कुछ न कुछ ऐसे नए अकाउंट के स्लिपेजेस हुए हैं जो मार्केट को पता नहीं है, जो पता होते उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब 10-12,000 करोड़ के स्लिपेजेस है जो किसी को पता नहीं है ये कहां से आए। एक और चीज, अगर भगवान ने करे गलती से टेलीकॉम कंपनी का इनको और प्रोविजन करना पड़ गया तो मुश्किल होगा, और वो मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने कल देखा IDFC बैंक कितना गिरा, 10%, और वो इसलिए गिरा कि उन्होंने प्रोविजन कर लिया। अगर IDFC फर्स्ट बैंक टेलीकॉम कंपनियों का प्रोविजन कर सकता है तो देश का सबसे बड़ा बैंक क्यों नहीं करेगा, उनको भी करना पड़ सकता है। एक ही एसेट क्वालिटी एक के लिए अच्छी हो सकती है, एक के लिए खराब हो सकती है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, कहने का मतलब इनका पूरा सार ये है कि क्वालिटी वाइज SBI के नंबर्स खराब है। 327 स्टॉप लॉस का लेवल है, बेचिए। 311 ये वो लेवल है जहां से स्टॉक चलना शुरू हुआ था रिजल्ट के पहले से, जब रिजल्ट आया उससे पहले 311-12 के आसपास था, वहां से धीमे धीमे ऊपर आना शुरू हुआ। पहला टारगेट वहां रखिए, उसके बाद 305 और 295, अगर मार्केट खराब रहा, बजट खराब रहा, तो 295 भी आ जाएगा कल ही, और नहीं तो आप स्टॉप लॉस पूरा मेंटेन करिए 327 का। 311 पहला टारगेट, वहां पे आपके 2000 भी बन जाएंगे और आराम से शॉर्ट करिए निश्चिंत होकर। कल आपको सारे डाउनग्रेड नजर आएंगे, डाउनग्रेड आए ना आए कम से कम कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि रिजल्ट अच्छे हैं। अविनाश जी ठीक है ये? बिल्कुल, इनफैक्ट स्लिपेजेस का नंबर आपने सही कहा कि उम्मीद से बहुत ज्यादा है, और वोडाफोन का तो ऑलरेडी IDFC फर्स्ट ने 50% प्रोविजन किया है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है। और कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है, तो 7% ग्रोथ जो आप कह रहे हैं वो काफ़ी धीमा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये कहलाता है कि अभी भी क्रेडिट ग्रोथ का फायदा इनको मिला नहीं है। ये मतलब नंबर से ना, मैं आपको है ना क्वालिटी के हिसाब से बोलूँ ना, बहुत ही खराब नंबर है। मतलब ये खराब नहीं, मतलब ये तो क्यों हरे निशान में मेरी समझ के बाहर है, होना नहीं चाहिए। अगर मुझे बैंकिंग के रिजल्ट्स की समझ है जरा भी,
तो ये मार्केट को ये रिजल्ट ढंग से पढ़ानी, या फिर कुछ ऐसी चीज मैंने नहीं देखी हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन अब तक तो सारे नंबर्स बाहर आ गए। इसके नंबर्स को तो देख के यही लग रहा था कि क्यों exactly. हरे निशान में सिर्फ यही हो सकता है कि शॉर्ट्स बहुत है, तो वो शॉर्ट्स बहुत होने की वजह से एक बार शॉर्ट कवरिंग हो गई, ऊपर आ गया वो ठीक है। टेलीकॉम में 30,000 करोड़ का एक्सपोजर है एसबीआई का, आप कब तक बचाएंगे? और दूसरे अगर कर रहे हैं तो आप पे प्रेशर आएगा इस, नहीं तो अगली तिमाही में करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मामला सीरियस है यहाँ पर। अभी एसबीआई में आपको लॉन्ग तो नहीं रहना चाहिए, आप शॉर्ट करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन इन नंबर्स के दम पर, लॉन्ग रहने में कोई समझदारी नहीं। पहले शॉर्ट वाले गलत थे, अब लॉन्ग वाले गलत है। 2:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसबीआई की, और उसमें शायद कुछ डिटेल्स निकल कर आए मैनेजमेंट की तरफ से, कुछ कमेंट्री में निकले कि कहां पर उनको स्ट्रेस दिख रहा है, कहां पर इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। तो 2:30 बजे तक का वेट करते हैं हम, एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। स्टॉक हल्का नीचे आया, 3% तक ऊपर था, इस वक्त हल्का दबाव वहां पर देखा जा सकता है। तो एसबीआई बेच के चले, 327 का स्टॉप लॉस और 311, 305 और 295, ये तीन टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं एसबीआई में बिकवाल। चलिए इस वक्त बाजार देखते हैं, निचले स्तरों से हल्की रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी 340 अंक ऊपर और निफ्टी 12,040 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। इस पर भी आगे स्ट्रैटेजी समझेंगे, लेकिन अविनाश जी मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, कल बजट है उसके पहले किस तरह की चाल दिख रही है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में एक कॉशस ट्रेंड देखने को मिला है। एक अच्छी बात है कि मार्केट्स में बजट को लेके पहले बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आज काफी बिकवाली देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पूजा, अगर कल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये गवर्नमेंट हटाता है या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है, तो आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से सेंटिमेंटली मार्केट्स को ये काफी बात पसंद आएगी, और ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट बढ़ना है ये तो सभी को पता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बजट्स में जो भी नंबर आएंगे, मुझे लग रहा है मार्केट्स ये पॉइंट्स क्लोजली वॉच करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट्स डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मार्केट डिसअपॉइंट नहीं होंगे, वैसे भी आज हम बात कर रहे थे सुबह कि आज हल्का ही दिखे मार्केट तो अच्छा है, कल अगर थोड़ा सा भी अच्छे अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। आई भी 105 करोड़ से कटकर 100 करोड़ के आसपास की। आईटीसी, इसके रिजल्ट का अनुमान भी देख लेते हैं, कैसे रहेंगे रिजल्ट? यहाँ पे भी सुस्त नतीजे आने के अनुमान है आईटीसी में, और अगर थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा तो अन्य कारोबार से। सिगरेट की अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो करीब 2-3% रहने का अनुमान है, वो भी हायर साइड पर है। काफी ब्रोकरेज हाउसेस ये एस्टिमेट कर रहे हैं करीब 1% तक की वॉल्यूम ग्रोथ भी आ सकती है सिगरेट कारोबार में। एबिट अगर सिगरेट कारोबार का देखे तो ये भी करीब 5-6% तक की ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन पेपर कारोबार और होटल कारोबार, एग्री कारोबार, ये तीनों कारोबार से थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिख सकता है। कुल मिलाकर जो आय है 5-6% बढ़ती हुई दिखेगी, कामकाज मुनाफा करीब 6-7% बढ़ता हुआ दिखेगा, और अगर मार्जिन्स की बात करें तो करीब 38% के लेवल्स के आसपास मार्जिन्स इंटैक्ट रहने की ही गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। और साथ ही देखिए आप, जो मुनाफा है करीब 20% इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि फिर से एक बार टैक्स घटने का ही जो अनुमान है, इसके चलते आईटीसी का जो मुनाफा है थोड़ा सा बढ़कर आएगा, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो कितना, 1.5-2% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ, कितनी? 2% के आसपास। और लीवर में कितनी आप वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन? 3%, 2-3% मतलब मजा नहीं है। तो ये रिजल्ट सारे ठंडे रहेंगे क्या अविनाश जी? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा एक्साइटिंग नंबर होगा, और इस कारण से ही स्टॉक में कोई बड़ी री रेटिंग आएगी अनिल जी ऐसा लग नहीं रहा है। 1-2% अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो वो काफी वीक और टेपिड माना जाएगा। प्लस आईटीसी की अगर बात करें तो ज्यादातर प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स कट से आने वाला है, वॉल्यूम ग्रोथ 1-2% की वॉल्यूम ग्रोथ से शायद मार्केट इसके कोई पॉजिटिव संकेत लेगा ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी के रिजल्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स का पूर्वानुमान। इस बीच 31,000 के लेवल पर आया बैंक निफ्टी, आज की रेंज का जो हाईएस्ट एंड दिया था हमने बिगर रेंज 31,050, पूजा जी 31,029 का हाई बनाया, एग्जैक्टली वही उसी के आसपास पहुंचकर इसने थोड़ा सा चेन की सांस ली है। एसबीआई का ऑप्शन खरीदने का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुन लीजिए चेयरमैन राजेश कुमार साहब को। बोथ सिक्वेंशियली एंड वेरी सब्सटेंशियली YoY. We have also mentioned in our press note and the filing to the stock exchange that there was a slippage, one large HFC which is under administration, but that was known in September quarter, and the total amount, loan book is 7,100 crore and the bond of about 2,900 crore. The bond, the mark-to-market provision of 50% has been done as per the valuation given by FEDAI. On the loan book, 20% provision has been done
which is higher than what is required by the regulation. And the overall provision, if we take into account the bond and the loan, the current provision is approximately 29%. And in the this quarter, which is March 20 quarter, based on the progress of the resolution and the overall assessment about the recoverability, we will provide whatever is required during the current quarter. So, considering that there has been challenges before the banking industry, I would consider that with some help from IBC, where bank had a very good recovery as far as SR Steel is concerned, which was one very large asset which got resolved during the quarter, and of course some setback on account of slippage of the housing finance company. And these are the two, I would say, exceptional items, both on the income side and the expense side, but otherwise on all parameters. ओके तो ये थी एसबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने भी एक बड़े हाउसिंग फाइनेंस अकाउंट की बात की जिसके सामने इतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है और भी डिटेल्स जैसे जैसे निकल कर आएंगी हम आपके सामने रखेंगे तो कमेंट्री काफी इम्पोर्टेंट रहेगी टेक महिंद्रा के केस में और उसके पहले नतीजों के पहले देखिए हल्के हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है अविनाश जी टेक महिंद्रा नंबर्स से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि नंबर्स में ऐसा कोई बड़ा यू नो रीरेटिंग वाला काम होगा नहीं क्योंकि ओवरऑल मार्जिन्स में कटौती आने की उम्मीद है लेकिन जो कमेंट्री आएगी और प्लस जो एनटी डील का जो प्रोग्रेस है वहां पे मार्केट चाहेगी कि कितने जल्द ये इंटीग्रेट हो बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि कमेंट्री एज वेल एज जो नए क्लाइंट विंस है वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पे पोजिशन ली जा सकती ठीक है तो नतीजों के बाद नतीजे अवेटेड रहेंगे कॉमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी उसके बाद यहाँ पर पोजिशन ले सकते हैं फिश खरीदारी की सलाह इस वक्त टेक महिंद्रा में नहीं है ओके जी ये तमाम स्टॉक्स है जिन पर आपको बजट के दिन इन 2020 के बजट में ये स्पेशल 20 है इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आपने मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं आपको साइड में जो है ना जहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी बातें जो लिखी हुई आ रही वहीं पर आपको ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी तो वहां पर आप देख लीजिए इस लिस्ट में कोई एक दो अच्छे स्टॉक जो आपको पसंद आ रहे हो वैसे सारे अच्छे हैं आई थिंक इंफ्रा की बात करें तो एलएनटी काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे आया है और अगर पानी की बात करें तो हमको लग रहा है कि एस्ट्रल पॉली और फिनलेक्स इंडस्ट्रीज ये दोनों ही अच्छे विकल्प बन सकते हैं मेरे ख्याल से बजट के पहले भी अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं मुझे लग रहा है जरूर इस एरिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही कल बजट में आना चाहिए ओके तो ये है आपके लिए राय एस्ट्रल पॉली एलएनटी जैसे शेयरों में ये इंटरेस्टिंग हो सकता है ओके तो इन पर रखिएगा आप फोकस इसी तरह की कुछ बेहतरीन रिसर्च और कवरेज आपको और मिलने वाली है जो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे इस वक्त लेकिन आइए फोकस करते हैं आगे कुछ और शेयरों पर और इस बीच आईटीए के एफपी फिर तारीख बढ़ गई आज खत्म होने वाला था नहीं तो फिर से बढ़ गई तारीख ओके आईटीआई के एफपीओ की तारीख 5 फरवरी तक बढ़ गई एक आइडिया आया मेरे दिमाग में दे दूं सर बताइए कुछ कुछ आईपीओ में सरकारी कंपनी के आईपीओ में ऐसा कर देना चाहिए कि जब तक नहीं भरे तब तक खुला रहेगा जब ऐसे ही बढ़ा नहीं बार बार तो रहने दो ना फिर जिस दिन बढ़ जाएगा बंद कर देंगे ये तो क्या बात है फिर से अच्छा अगर आईपीओ की तारीख बढ़ी है 3 दिन से तो प्राइस बैंड भी कम किया होगा पहले 72 से 77 था 72-77 अब 71 से 77 ये बरकरार रखा है ये समझ के बाहर है ओके एक जो दिक्कत हमने सुनी है बाजार में इसका आईपीओ भर क्यों रहा है क्योंकि मार्केट्स में ऐसा डर है कि जो इक्विटी डाइल्यूशन अनिल जी आएगा वो मेरे ख्याल से 15-18% आएगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है शायद शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए हम समझते हैं कि ऑर्डर बुक अच्छा है विजिबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली अगर लॉन्गर टर्म कोई निवेश करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पैसा बनेगा बट शायद लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो ये ऑलरेडी लिस्टेड है तो कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आपको इमीडिएटली मिलेगा लिस्टिंग पे आई मीन जो शेयर्स पे वो शायद हो नहीं सकता लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अट्रैक्टिव प्राइस है ओके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं आप कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मामला मुश्किल भरा चलिए दूसरी बार ये तो मैंने भी पहली बार ही देखा कि कोई दूसरी बार अपना प्राइस बैंड बढ़ाए और टाइम भी बढ़ाए
तो चलिए 71 रीजन भी आ गया बैंकों, अरे बैंकों की हड़ताल की वजह से, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया रीजन मिला है, ठीक है अच्छा रीजन है एक्सेप्टेड, ठीक आज कब है हड़ताल, आज है ना, आज और कल है, आज भी है, अगर नहीं मानेंगे तो और एक्सटेंड होगी फिर उनकी मांगेंगे नहीं, ये आजकल एप्लीकेशन लगाने के लिए बैंक जाना पड़ता है आईपीओ में एफपीओ में, मेरे ख्याल से ऑफलाइन ऑफलाइन भी सब तो ऑनलाइन है, नहीं नहीं कहीं कहीं जगह पे तो ऑफलाइन भी है, अच्छा फिर तो ठीक है अगर ऑफलाइन भी है तब तो हड़ताल, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है अनिल जी तो आपको तो पता होगा कि पीएसयू बैंक्स में तो आप लोग फिजिकल आजकल वो कुछ कुछ आई तो कंपलसरी कर भीम ऐप के थ्रू और इनके थ्रू आपको करना पड़ता है, तो पता नहीं अब जो भी है ठीक है भाई, आज जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके लिए 3 दिन का मौका और लगाओ आप 5 बजे तक, 71 से 77 प्राइस बैंड वही है, हड़ताल की वजह से बढ़ा दिया गया है और इस बीच बाजार तेजी से नीचे आ रहे हैं एक्चुअली, अब निफ्टी में तो आप देखिए ऐसा लग रहा है कि 12,000 के नीचे क्लोजिंग देने की तैयारी है, बजट के ठीक पहले 12,000 के नीचे बंद होना ये संकेत अच्छा नहीं है एक्चुअली, कमजोरी का संकेत है, अविनाश जी कॉन्फिडेंस की कमी है, आई थिंक पहला एक दिन पहले अनिल जी नॉर्मली ऐसा होता है, बट मेरे ख्याल से कल का बाजार में होपफुली यू नो अप ट्रेंड होना चाहिए, आज मेरे ख्याल से मार्केट्स में काफी कॉशन है, मार्केट्स में पोजीशंस लोग अभी नहीं ले रहे हैं, जो भी है वो हल्के हो रहे हैं, तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको थोड़ी इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, और इंडेक्स में जो कमजोरी आई है निफ्टी देखिए आ चुका है करीब 70 अंक नीचे, बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, पड़ेगा टेक महिंद्रा, ये रिजल्ट आ गए पहले टेक महिंद्रा देखेंगे हम, रिजल्ट जल्दी से टेक महिंद्रा के रिजल्ट पढ़िए आप, पढ़िए मैं, अच्छा आप पोल ढूंढ रही हैं तो ठीक है मैं पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ देती हूँ टेक महिंद्रा के नतीजे एक बार देख लेते हैं, मुनाफा जो आया है 714 ये नंबर माफ कीजिए 1140 के आसपास का आया है, 1150 मुनाफा बढ़ा है, हमारा तो 994 करोड़ का अनुमान था, मुनाफा काफी ज्यादा नहीं आ गया, ओके 1150 करोड़ 994 करोड़ के मुकाबले में 150 करोड़ ज्यादा, वाह भाई ऐसा क्या किया टेक महिंद्रा ने, ओके तो रिजल्ट्स तो ये आपके सामने पहला आंकड़ा, आय का आंकड़ा हमारा 9,386 करोड़ का अनुमान है, आया 9,650 करोड़ ये भी जबरदस्त आया 225 करोड़, क्या बात है गजब, अच्छा टेक महिंद्रा कौन खरीदने की बोल रहा था आज भी कल भी कल तो वागले साहब ने बोला था शायद आप नंबर आने आय के जो फिगर आए 350 करोड़, हम डॉलर आय की भी फिगर यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू और मुनाफे दोनों ही फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक आ चुका है इस वक्त 0.5%, हाँ तो वागले साहब का कल है ना पिक ऑफ द डे था, वागले साहब आप ही बताओ 828 का आपने टारगेट दिया था, कल खरीदने की राय थी आपकी 804 के आसपास, बताइए टेक महिंद्रा के चार्ट जल्दी से रिजल्ट आ गए हैं, इसके रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, अनिल जी मुझे मेरा कल तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है लेकिन मुझे दिखता है ये मूव आनी चाहिए 810-812 का पहला टारगेट होगा अगर आपको बजट तक प्ले करना है तो, और अगर 815 निकलता है तो फिर 831 में जा सकता है, वो आपको है ना रिजल्ट के टाइम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहिए, रिजल्ट के टाइम पे छोटा वाला चलता नहीं, अविनाश जी टेक महिंद्रा कैसे दिख रहे हैं रिजल्ट्स, नंबर्स दमदार है, नंबर्स दमदार है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रॉफिट और आय दोनों फ्रंट पे कंपनी ने नतीजे बहुत अच्छे दिखाए, होपफुली हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री और जो नए क्लाइंट विंस की जो न्यूज फ्लो आएगी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से स्टॉक में और तेजी आएगी, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट उम्मीद से काफी अच्छे, ओके उम्मीद से बेहतर नंबर्स, स्टॉक 800 के डॉलर आए भी 135 करोड़ जो हम अनुमान कर रहे थे उसी के आसपास डॉलर आए भी आए हैं और 131 ज्यादा ही 131.80 का अनुमान था और 135 तो बढ़िया बोली जाएगी, हर एक फ्रंट पर अभी तक जो रिजल्ट्स हैं टेक महिंद्रा के बेहतर, चिंता न करें, फिर मैं कहूंगा अभी भी एसबीआई में भले कितने भी बाय कॉल आ रहे हूं बेहतर है कि प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जो मैंने कॉन कॉल भी सुना, कॉन कॉल सुनने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जिस तरह की डिटेल्स निकल कर आ रही है, लोन ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ 10% के नीचे की मुझे तो मजा नहीं दिख रहा, और डीएचएफएल वगैरह का जो प्रोविजन किया जिसकी वजह से स्लिपेजेस दिख रहे वो भी 40% ही किए, 100% नहीं हुए, 60% बाकी है अविनाश जी, तो आगे भी रहेंगे फिर ऑब्वियसली एलिवेटेड रहेंगे, तो मुझे लगता है कि और एक और चीज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लोन्स है ना वहाँ डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो मेरा सेंस बन रहा है सुन के वो कमेंट्री बहुत अच्छी आएगी इसकी संभावना का, फिर भी अगर किसी को लेना ही है कल 323 पार कर ले लीजिए, 3-4 रुपए ऊपर ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तो मेरे ख्याल से बाय में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, देखते हैं कल इसका एनालिसिस किस तरह का आता है, फिलहाल एसबीआई चूंकि शॉर्ट्स काफी हुए हैं इसलिए शॉर्ट कवरिंग होकर मजबूती के साथ बना